नहीं चलेगी। छात्राओं ने किया चीनी वस्तुओं का विरोध। आज दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर के छात्र संघ ने पदाधिकारियों ने चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि सभी लोगों को चाइना का कोई भी सामान नहीं लेना है, ऐसे करके हम लोग भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। इस अवसर पर छात्र संघ उपाध्यक्ष राज प्रताप सिंह, छात्र संघ पुस्तकालय मंत्री अभिषेक सिंह, आदित्य त्रिपाठी, गौरव सिंह, सागर श्रीवास्तव, सुमित सिंह, गौरव गोस्वामी आदि लोग उपस्थित थे। गोरखपुर से अमित सिंह की रिपोर्ट। चाइना को जड़ से उखाड़ना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है और चाइनीज प्रोडक्ट को बहिष्कार करने की जरूरत है। इसी तरह हम लोग का मुहिम भी चल रहा है, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज सेवा एक ऐसा पुण्य कार्य जिसको करने के बाद दिल को सुकून मिलता है, खासकर वाकई में जब जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके तो उसकी आंखों की चमक देखने लायक होती है। ऐसे ही गरीब की आंखों में चमक लाने का काम कर रहे हैं देवरिया जनपद के पत्थरदेवा विधानसभा के निवासी व समाज सेवी सुनील राव, जिन्होंने गरीबों को हर संभव मदद का विश्वास दिलाते हुए उनकी मदद भी कर रहे हैं। नौजवानों और उभरते हुए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे, समाज सेवा के साथ ही आम जनमानस के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर रहे, जिसका जीता जागता उदाहरण है रामपुर कारखाना। थाना क्षेत्र के पड़ने वाले हेतिमपुर पुलिस चौकी का पुनर्निर्माण कराया गया। ऐसे बहुयात संख्या में अनेक कार्य किए गए। आज सुनील राव समाज सेवी लॉकडाउन खुलने पर दोबारा अपने क्षेत्रों में अपनों के बीच पहुंचे, जिनके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। आइए देखते हैं। तो आज चार साल से कर रहे हैं क्षेत्र में, समाज सेवा में उतरा तो मेरा यही उद्देश्य था कि जो गरीब है, मजदूर, जो असहाय है, जिसका इस समाज में कोई सुनता नहीं है, जिसका कोई सुनवाई नहीं होता है, उनका हम मदद करने के लिए समाज सेवा का हमने ये बेड़ा उठाया था। और इनका हम हमेशा जो भी शादी हो कोई गरीब परिवार में, लड़की का गरीब परिवार का कोई मृत्यु हो जाता है उसमें, और कोई पढ़ाई लिखाई हो उसमें, सब हम हमारे तरफ से मदद पहुँचता है पूरे क्षेत्र में। और हम ये प्रयास करेंगे कि राजनीति की बात कर रहे हैं आप, तो राजनीति में हमारा आने का उद्देश्य यही रहेगा कि हमारे जो गरीब हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसका कोई हाथ पांव पकड़ने का हाथ नहीं थाम सकता है, उसको हम हाथ पकड़ के एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं, उनको भी एक हक दिलाएं, उनका हम एक मदद कर सकें, पूरा उनका सहायता कर सकें, उनकी सुन सकें, ये सब करने के लिए हम राजनीति में उनके लिए ही आएंगे, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है गरीबों के। देवरिया से ब्रजेश गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर सहजनवा ब्लॉक के अंतर्गत सरैया गांव में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। बताते चले कि सरैया गांव के रहने वाले अनिल सिंह धनगटा के पॉली ब्लॉक में अकाउंटेंट है। 3 से 4 दिनों से इनकी तबियत खराब। शनिवार को रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के पर गांव को सील किया जा रहा। गांव में डर का माहौल। इनके परिवार में सदस्यों की कुल संख्या 9 बताई जा रही है। सूचना मिलते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुज मलिक, तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा, थानेदार दिनेश कुमार मिश्र सहित अन्य आला अधिकारी गांव पहुंचकर मरीज के संपर्क में आए लोगों की जानकारी ली। इसके साथ ही गांव सील करके हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों को घर से न निकलने की हिदायत दी और संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया। गोरखपुर हरपुर बुधड़ क्षेत्र के सिधौली गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आने के बाद आनंद फानन में स्थानीय पुलिस ने गांव के मुख्य रास्तों को सील करा दिया। बताते चले हरिलाल पुत्र स्वर्गीय सोभी उम्र 65 वर्ष सिधौली थाना हरपुर बुधड़ के रहने वाले वह कुछ दिन पहले अपने बड़े लड़के ब्रजकिशोर के पास लखनऊ गए थे, जहां से 17 मई को वापस लौटने के बाद कुछ ही दिन में होम क्वारंटीन थे। अचानक तबियत बिगड़ने पर उनका छोटा लड़का ब्रजभान ने उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया था, जहाँ उनकी फुल टेस्टिंग हुई थी। आज सुबह उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिनके मिलते स्थानीय पुलिस ने थानाध्यक्ष जटाशंकर के नेतृत्व में सिधौली गांव को सील करा दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।